इलेक्शन के पुरान इनेकाद के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 1,06,942 अहलकार ड्यूटी देंगे। 23,940 सिक्योरिटी अहलकार मुस्तकिल तौर पर ड्यूटी पर मौजूद होंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के 1,30,882 अहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसला जान लेते हैं सेफ सिटी कंट्रोल रूम में मौजूद अपने नुमाइंदे नईम जमजुआ से। जी नईम, बिल्कुल बड़े वारके में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन जो इंतजाम इदारों की तरफ से किए जा रहे थे वो भी अब सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह सामान की तरसील हुई, इसी तरह जो सेफ सिटी में कायम किया गया है कंट्रोल रूम, वहाँ पे भी जो है वो मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, क्योंकि सामान जो है वो पोलिंग स्टेशनों में पहुँचाया जा रहा है और शाम तक वो मुकम्मल भी किया जाएगा। इसीलिए जो है वो अब सेफ सिटी में भी मुकम्मल तौर पर जो कैमरे हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। जो इस्लामाबाद में तकरीबन जिले इंतजामिया और पुलिस के जेर इंतजाम तकरीबन 400 कैमरे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में लगाए गए हैं और उन पर अभी से मॉनिटरिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में तकरीबन 123 के करीब हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं, जिसमें से 31 जो हैं वो इंतहाई हसास हैं, और जो सिटी के ख़ास तौर पर एरिया हैं वहाँ पर सेफ सिटी के जरिए जो कैमरे हैं, सेफ सिटी जो कंट्रोल रूम है उसमें जो कैमरे उनके ज़रिए देखा जा रहा है। कोई ऐसी इतला जैसी मिलेगी, अगर मज़ाफात में कोई ऐसी इतला मिलती है तो 15 के थ्रू मिलेगी और यहाँ से जो है वो आगाह किया जाएगा मुतलका अफसरान को, तो फौरी तौर पे वहाँ पे रिस्पांस किया जाएगा। अगर नफरी के हिसाब से देखें तो इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी लगाई गई है इंतखाबात के लिए, तकरीबन पुलिस के एहलकार जो अफसरान हैं वो तकरीबन 6500 हैं, इसके साथ 1000 जो है वो FC की नफरी है और साथ 1500 जो है वो रेंजर और फौज के जो एहलकार और अफसरान हैं वो यहाँ पर तैनात होंगे सुबह जब पोलिंग का अमल शुरू होगा। जहाँ पे हसास या इंतहाई हसास मामलात हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है पोलिंग स्टेशन को, वहाँ पे फौज जो है वो करीब रखी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाई भी जाएगी। और इसी तरह जो दीगर जो स्टेशन है, तकरीबन 990 पोलिंग स्टेशन है जिसके लिए पुलिस की जो भारी नफरी है, तकरीबन 9000 एहलकार और अफसरान जो है वो तैनात और उनको मॉनिटर किया जा रहा है।